भारत लिटरेचर फेस्टिवल है और बोलने के लिए आदेशित किया गया है तो मैं जरूर बोलूंगा। 20 मिनट का समय मिला है और 20 मिनट से बिल्कुल मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन 20 मिनट लूंगा। मेरा विषय है भारतीय जीवन दर्शन और आधुनिक मूल्य। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूंगा। आप सभी ने महात्मा बुद्ध के बारे में निश्चित ही सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा। तो एक स्कूल में मैं बोलने के लिए गया था और वहां पे कुछ इसी तरह का सवाल मेरे सामने आया और सहसा मेरे मुंह से ये निकला कि आप कल्पना करें कि दुनिया के जितने तमाम जो नामी गिरामी उद्योगपति हैं, वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे भारत में हो, वो नए जमाने में अगर देखा जाए तो एलन मस्क का नाम ले लीजिए, या पुराने जमाने में देखा जाए तो रॉकफेलर का नाम ले लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि आधुनिक जीवन मूल्य और भारतीय जीवन दर्शन क्या है, इस बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आप कल्पना करें कि महात्मा बुद्ध नंगे पांव भारत देश की किसी गली में भिक्षा पात्र लेके खड़े हैं और एक तरफ दुनिया के सारे उद्योगपतियों को एक साथ खड़ा कर दीजिए उनकी पूरी नेटवर्थ के साथ, तो आप लोग किसे ज्यादा अहमियत देना चाहेंगे, एक भिक्षा पात्र लेके एक गली में खड़े महात्मा बुद्ध को या इन सारे उद्योगपतियों को? जहां मैंने सवाल पूछा था वहां लोगों ने एक स्वर से कहा था कि महात्मा बुद्ध को, तो मैंने पूछा था कि आखिर क्यों, तो किसी ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने ज्यादा त्याग किया। मैंने पूछा कि भाई ज्यादा त्याग किया इसके अलावा क्या किया, तो वहां उपस्थित विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने अपने पिता की गद्दी ठुकरा दी। दोनों उत्तर जायज हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक बात है जो मैं समझता हूं। बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मा को प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध ने जीवन को प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध से ज्यादा आत्मवान व्यक्ति शायद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर उतरे, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं उतरा। तो सवाल यह उठता है कि हमारे जो वेद वेदांत में संस्कृति में, दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आदि शंकराचार्य के बारे में जो कोई भी थोड़ा भारत भूमि में पैदा हुआ है जरूर जानता होगा, आदि शंकराचार्य सनातन अद्वैत के बारे में पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, उनका बनारस जाना हुआ। वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे और एक लंबा चौड़ा चांडाल सीढ़ियां उतर रहा था। जब वो आदि शंकराचार्य के समानांतर आया तो आदि शंकराचार्य ने अपनी जगह थोड़ा सा बदल के उससे बचने की कोशिश की, फिर चांडाल जोर से हंसा और कहा कि तुम तो वही हो जो ये कहा करते हो कि जो ब्रह्म में है वही जीव में है, सभी जीवों में एक ही ब्रह्म है, वही सब जगह चराचर में है, सब जगह व्याप्त है, तो फिर तुमको अपने में और मेरे में अंतर कैसे दिखाई दिया, तुमने बचने की कैसे कोशिश की? गंवार से दिखने वाले, अनपढ़ से दिखने वाले, उस चांडाल के मुंह से ऐसी बात सुनते ही शंकराचार्य उस चांडाल के चरणों में गिरे और उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ मैं शब्दों की जादूगरी से खेल रहा था, मुझे ज्ञान तो आपके इस एक वाक्य ने दिया है। और जिस तरीके से अष्टावक्र गीता में यह कहा गया है कि एक पल के अंदर आपका रूपांतरण हो सकता है, एक पल के अंदर आपका जीवन बदल सकता है, एक पल के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक उसी तरीके से आदि शंकराचार्य ने कहा कि इस एक पल ने मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी देशना, मेरी पूरी सोचने की शक्ति, मेरी पूरी समझ
बदल दी। और आदि शंकराचार्य ने आगे लिखा और बोला अपने प्रवचनों में कि जिस दिन व्यक्ति के भीतर समझ, गहरी समझ विकसित हो जाती है, फिर वो टटोल के नहीं चलता, फिर वो बहुत भरोसे से चलता है। और बहुत भरोसे से चलने वाला व्यक्ति अपनी समझ से ही चल सकता है। हमारे यहां जिस तरीके से एकम सत विप्र बहुधा बदंती, मतलब सत्य एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग मतों के लोगों ने कहा, जिस तरीके से आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की आलोचना की तो महात्मा बुद्ध की गहरी से गहरी स्तुति भी की, जिस तरीके से शंकराचार्य की आलोचना दूसरे लोगों ने की, रामानुजाचार्य ने की, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आइदर माई वे और हाईवे। भारत भूमि एकलौती ऐसी रही है जिसमें सामंजस्य समन्वय इतना गहरा रहा है कि मतभेद होते हुए भी, मतों का अंतर होते हुए भी, एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान रहा है। और हमारे यहां जो आज पूरी दुनिया में समझाया जाता है कि जल्दी से अपने कैरियर को प्राप्त कर लेना है, दौड़ मची हुई है, हम भागे जा रहे हैं, लेकिन जो ठहरने की परंपरा है वो सिर्फ हिंदुस्तान की धरती में है। बरसात होती है, आप सभी देखते हैं अपने घर के अगल बगल, अगर तेज बरसात हो जाए तो नदी नालों में थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है और कैसे तेजी से गड़गड़ की आवाज करते हुए नदी नाले जाके समंदर में गिर जाते हैं। लेकिन जिस समंदर में दुनिया के सारे नदी नाले समा जाते हैं, जो नदियां अपना किनारा तोड़ के बहने लगती हैं, वो भी समंदर में जाके समा जाती हैं, लेकिन समंदर अपनी सीमा का बाल बराबर भी अतिक्रमण नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, वो रुका हुआ है। इसका मतलब कि जीवन में भागने से कुछ नहीं मिलता, मिलना उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप ठहर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, आप लोग यूनिवर्सिटी में, करुणीमल कॉलेज के कैंपस में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, यहां भी यही सिखाया जा रहा है कि जल्दी पा लेना है, जल्दी पहुंच जाना है। लेकिन हमारे भारत भूमि में जल्दी पा लेने, जल्दी पहुंच जाने के कारण आप क्या खो देते हैं इसका आपको अंदाजा नहीं लगता, पता नहीं चलता। आप इतना तेजी से भागते हैं कि जो आपके पीछे आना चाहता है उसको आप देख ही नहीं पाते। अगर पाना चाहते हैं तो हमारे उपनिषदों में यह कहा गया है कि ठहर जाओ, रुक जाओ और होश से भर जाओ। यह है हमारा भारत का जीवन दर्शन। और एक छोटी सी कहानी और याद आ रही है कि धर्म का रूपांतरण कैसे होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर जरा भी चेतना है तो उसका रूपांतरण कैसे हो, तो कहानी है कि एक जौहरी जंगल के रास्ते जा रहा था और उसने देखा कि एक कुम्हार गधे पर बैठा हुआ जा रहा है और लेकिन गधे के गले में एक बहुत चमकीला पत्थर लटक रहा था। जौहरी ने देखते ही पहचान लिया कि यह बहुत ही बहुमूल्य हीरा है। उसने कुम्हार से कहा कि भाई तुम्हारे गधे के गले में जो ये पत्थर लटका दिखाई दे रहा है इसको कितने में बेचोगे। उसने कहा कि हुजूर 8 आने में। तो उसने कहा क्या बात करते हो, 4 आने से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। कुम्हार भी जिद्दी किस्म का आदमी था, उसने कहा कि मैं 6 आने से कम में नहीं बेचूंगा। जौहरी को लगा कि ये कितनी दूर जाएगा, पैसे का लालच किसको नहीं खींच लाता है। बहुत देर निकल गई तो जौहरी को लगा कि देखना चाहिए। जब वो ढूंढते ढूंढते उस कुम्हार के पास गया तो देखा कि उसके गधे के गले में से वो चमकीला पत्थर गायब है। तो उसने कहा कि वो पत्थर कहां गया। उसने बोला किसी ने खरीद लिया। बोला कितने में बेचा। उसने कहा 1 रुपए में। और अच्छा ही हुआ कि आपको नहीं बेचा, नहीं तो 8 आने, 4 आने, 6 आने में बेचता तो मुझे बड़ा नुकसान होता। तो जौहरी ने कहा कि कितने बेवकूफ हो तुम, लाखों का हीरा 1 रुपए में बेच दिया। तो कुम्हार ने कहा कि मैं तो बेवकूफ हूं ही, तभी तो गधे के गले में इतना
महंगा हीरा बांधे घूम रहा था, मुझे तो इसकी समझ नहीं थी, लेकिन आपके बारे में क्या कहूं जिसको ये समझ थी कि ये लाखों का है। तो मैं अपनी कहानी से ये बताना चाहता हूं कि हमें भी बहुत सारी चीजों की समझ है, लेकिन उस जौहरी की तरह हम कीमती चीजों की कीमत चार आने लगा रहे हैं, और समय पर निर्णय न लेने के कारण चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी धार्मिक चेतना विकसित है, आपके अंदर धर्म जरा भी है, धर्म की जरा सी भी समझ है, तो अगर जौहरी जैसी चेतना होगी तो आपका रूपांतरण कभी नहीं होगा। लेकिन जौहरी की उस चेतना को अगर आगे रखा जाए जो ये मन ही मन जानता है कि इसकी कीमत लाखों में है, चार आने नहीं है, तो हमारा परिवर्तन और रूपांतरण बहुत गहरे में हो सकता है। और आधुनिक जीवन मूल्यों की बात की जाए तो आज के आधुनिक मूल्य क्या हैं? जैसे तमाम तरह के शोषण से बचाना या तमाम तरह के शोषणों से मानवता को मुक्ति देना, मैं मानता हूं कि इस जमाने का सबसे बड़ा आधुनिक मूल्य है। हमारा फ्रीडम, हमारी लिबर्टी सबसे बड़ा आधुनिक मूल्य है। कानून का शासन, हमारी सिविल सोसाइटी आज के जमाने का सबसे आधुनिक मूल्य है। जिस जमाने में हम जी रहे हैं ये अब तक के पृथ्वी पर का सबसे सुंदर समय है। बहुत लोग कहते हैं कि पहले का समय अच्छा था, मैं उसको नहीं मानता, और मैं हमेशा ओपन मन से इस बात पर बहस करता हूं कि पहले के जमाने से आगे आने वाला हर जमाना उसका बेहतर रूप होता है, उसका परिष्कृत रूप होता है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, आज से 30-40 साल पहले कोई भी बच्चा पैदा होता था उसकी पूरी जीवन ऊर्जा बीमारियों से लड़ने में समाप्त हो जाती थी। हर पैदा होने वाले बच्चे को पीलिया तो होता ही होता था, जॉन्डिस। लेकिन आज के जमाने में जो बच्चे पैदा होते हैं, 100 में से शहरों में पैदा होने वाले और इवन गांव में भी 90 बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं होते पैदा होते ही। उनकी जीवन की पूरी ऊर्जा सेव्ड होती है, बची हुई होती है, वे बहुत ताजे होते हैं। और जब वो जीवन में बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जीवन ऊर्जा उनके साथ जिस तरीके से पूरे जीवन चलती है, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब मुश्किल से 35 साल थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 54 साल हुई। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल को क्रॉस कर गई है, और पश्चिम के देशों में तो 100 साल के लोग बहुत आम तौर पे जीते हैं, आम तौर पे पाए जाते हैं। तो जिस दिन मां गर्भ धारण करती है उस दिन से लेकर डिलीवरी तक बच्चे की पूरी ऊर्जा है वो बची रहती है, वो इस जमाने की देन है। पहले ऐसा नहीं होता था। और आज जैसे हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, पहले के जमाने में ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि हमारे पास गर्म कपड़े नहीं थे। और आधुनिक जीवन मूल्यों की बात करें तो पूरे कालखंड को मैं 5 हिस्सों में बांट देता हूं। एक वक्त था गेदरर्स और हंटर्स का, जब मनुष्यता पैदा हुई और हमारे में और जानवरों में, जीवों में कोई अंतर नहीं था, हम ठीक वैसे ही थे, और सबसे निरीह और कमजोर प्राणी थे, और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को छोड़ दिया जाए तो शाम होते ही मनुष्य अपने सुरक्षित जगहों में छुप जाता था। और एक ऐसी चीज आदमी ने इजाद की जिससे कि पूरी मानवता बदल गई, और हमारे हाथ में पहली बार बड़ी अद्भुत ताकत आई, और वो था आग का आविष्कार। जिस दिन मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया, हमने बड़े बड़े जानवरों को, शेरों को, हाथियों को, अजगरों को डराना शुरू कर दिया, और वहां से सिविलाइजेशन विकसित होना शुरू हुआ। तो
जब आग का आविष्कार हुआ तो लोग धीरे धीरे कम्युनिटी में रहने लगे। उसके बाद वो पहला युग था, आग का आविष्कार दूसरा युग था, जब कम्युनिटी और गांव बने तो तीसरा कालखंड आया, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तो चौथा कालखंड आया, जब मनुष्य ने औद्योगिक रेवोल्यूशन किया तो पांचवा कालखंड आया, जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम सूचना क्रांति के दौर में 19वीं शताब्दी में पहुंचे, और जब 20वीं शताब्दी में हम इतना विकसित हो चुके हैं, हमारे पास इतना रिसोर्सेस ज्यादा हैं कि अब हम स्टार्टअप के दौर में हैं, कि सब कुछ सामने रखा है उसको जोड़ के एक नई चीज बना देना। स्टार्टअप कोई आविष्कार नहीं है, स्टार्टअप अच्छे चीजों का एक जोड़ है। तो मैंने पांच कालखंड बोले थे, लेकिन मैं इसको सात गिना रहा हूं, कि पहला जब मनुष्य गैदरर्स हंटर्स युग में था, दूसरा जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, तीसरा जब मनुष्य ने छोटी सी कम्युनिटी बनाई, खेती करना चालू किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सूचना क्रांति हुई, और सूचना क्रांति के बाद अब हम स्टार्टअप के दौर से गुजर रहे हैं। तो हमारे जीवन के ये जो हैं आधुनिक मूल्य हैं। लेकिन जो भारत का जीवन दर्शन है वो ये सिखाता है कि अनेकता में एकता, कि कैसे तमाम चीजें बिखरी हुई हैं लेकिन उसके बावजूद भी जुड़ी हुई हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो छोटे से छोटे जीव में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे अंदर है वही आपके अंदर है, जो आदि शंकराचार्य का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा। और भारतीय जीवन दर्शन के ऊपर पश्चिम में बड़ा से बड़ा व्यंग किया गया कि अगर जिस अद्वैत की, जिस एकात्म की, जिस परमात्मा की हम बात करते हैं वो दिखाई नहीं देता तो उसे माना कैसे जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, सारे फिजिसिस्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता लेकिन है, हवा को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता लेकिन है। तो अगर एक छोटा सा आणविक रचना है और उसमें इलेक्ट्रॉन है ये पक्के तौर पे कहा जा सकता है, तो ये इतने सूर्य तारे, कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है गैलेक्सी में ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं, कितनी ऐसी गैलेक्सी हैं जिनके बारे में अभी तक पता ही नहीं हमें। अभी हम चांद पे, मंगल पे उड़ान भरने की और वहां बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक तरह का आधुनिक मूल्य है कि हम पृथ्वी से इतर दूर कहीं जीवन की तलाश कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा मनुष्यता के विकास की छलांग है, मैं इसको आधुनिक मूल्य कहता हूं। आज जिस तरीके से ये छोटा मोबाइल आपको पूरे भूमंडल से जुड़े हुए है, ये भी एक तरह का आधुनिक मूल्य है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो अगर इतना बड़ा आयोजन चल रहा है इस पृथ्वी और आकाश के बीच में, तो जाहिर सी बात है इसको चलाने वाला दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो इसको संभाले हुए है, जो इसको चला रही है। तो इससे भारतीय जीवन दर्शन के बारे में जो बात पता चलती है, इससे जुड़ी एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। धीरे धीरे 20 मिनट में कुछ मिनट बचे हुए हैं, कि जो सनातन धर्म की बात आज सारे टीवी चैनलों पे लंबी लंबी डिबेट और बहस चल रही है, हालांकि मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बात जरूर आज कहना चाहूंगा जब भारतीय दर्शन की बात हो रही है। दुनिया में जो कुछ धर्म है, जैसे इस्लाम है 1400 साल पुराना धर्म है, ईसाई धर्म 2500 साल पुराना है, यहूदी धर्म 3000 साल पुराना है, बौद्ध धर्म 3500 साल पुराना है, जैन धर्म 3500 साल पुराना है क्योंकि बुद्ध और महावीर समकक्ष हुए, सिख धर्म करीब 500 साल पुराना है। लेकिन ये जितने धर्मों को मैं गिना रहा हूं, इनमें सनातन सबसे ऊपर क्यों है?
एक कारण से कि ये सारे धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी तक जाके फंस जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पर मोक्ष की बात सिर्फ सनातन धर्म करता है। और क्यों करता है? क्योंकि समय की जो लंबाई और गहराई सनातन धर्म को मिली वो करीब 11,000 साल की है, जो रिटन डॉक्यूमेंटेड है। इन धर्मों को समय की जो लंबाई और गहराई मिलनी चाहिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, उनको नहीं मिला। लेकिन भारत भूमि पर पैदा होने के कारण 3,500 साल पुराना होते हुए भी बुद्ध और महावीर मोक्ष की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 7,500 साल की विरासत मिली। और ये कहानी बताती है कि इस पृथ्वी पर बुद्ध महावीर को जीते जी भगवान माना गया। सारे सम्राटों ने अपने मुकुट लाके रख दिए बुद्ध और महावीर के चरणों में। और आज एशिया महाद्वीप भारत के चरणों में झुकता है तो भारत के एक लाल के कारण, वो है महात्मा बुद्ध। आज अगर जापान जैसा धनाढ्य देश भारत को पूजता है तो महात्मा बुद्ध के कारण। लेकिन हम अपनी चेतना को नहीं पहचानते। भारत भूमि ने वो आकाश में चमकने वाले तारे दिए जो इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल में कभी दूसरी भूमि पर नहीं पैदा हुए। यहां पे सप्त ऋषियों की आकाश गंगा पैदा हुई, यहां पे महर्षि विश्वामित्र पैदा हुए, यहां पे कणाद पैदा हुए, यहां पे महर्षि रमन पैदा हुए। और 20वीं शताब्दी में एक आदमी का नाम लेने से लोग हिचकते हैं, मैं बहुत आदर से लेता हूं, यहां आचार्य रजनीश पैदा हुए। लेकिन हमारी कई बार क्षुद्रतम राजनीति के कारण हमें, जिनके बारे में गहरा से गहरा सम्मान प्रकट करना चाहिए, कई बार घटिया राजनीति मन में भाव होते हुए भी ऐसा होने नहीं देती। कई बार आप मंचों से, ऐसा माहौल पैदा हो जाता है समाज में, ऐसा तनाव पैदा हो जाता है कि आप चाहते हुए भी अपने मन की बात नहीं रख पाते। लेकिन जो सहिष्णुता, जो अहिंसा इस भारत भूमि में पैदा हुई, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इस भारत भूमि में है, भारत में है, वो दुनिया के इक्का दुक्का देश छोड़ दिया जाए, जैसे ब्रिटेन को मैं मानता हूं कि वहां भी फ्रीडम कमाल की है, इसीलिए पूरी दुनिया से लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटेन में जाके शरण ले लेते हैं, और इसी तरह की आजादी अमेरिका में भी है। दुनिया के जितने वैज्ञानिक हुए वो किसी भी देश में पैदा हुए हों, अंततः उनको ग्रो करने का मौका जो अमेरिका में मिला वो कहीं और नहीं मिला। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने इस बात को बार बार कहा। हमारे यहां के हरगोविंद खुराना भी अमेरिका गए और वहां बसे। तो इस भारत भूमि के भी जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने भी इस बात को माना। और ये भारत ही है जो अच्छा है उसको अच्छा कहने में भरोसा रखता है। और आज भारत लिटरेचर फेस्टिवल के इस मंच से एक और बात कहना चाहूंगा कि जो न्यायप्रियता हमारे समाज में रही है, जैसे महाभारत की एक कथा के बाद अपनी बात समाप्त करने की तरफ बढ़ूंगा, आप सबने देखा होगा कि कौरवों पांडवों की योग्यता की परीक्षा हो रही थी रंगशाला में, तो न्याय करने की क्षमता की भी परीक्षा हुई। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार लोगों के ऊपर एक मुकदमा आया। पहला मौका दुर्योधन को दिया गया। मुकदमा यह था कि इन्होंने मिलकर एक आदमी की हत्या की है। तो दुर्योधन ने कहा इसमें देखना क्या है, हमारे न्याय दंड के ही विधान से इनको मृत्युदंड दे दिया जाए। वही मुकदमा युधिष्ठिर के पास ले जाया गया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी समझ से जो शूद्र है उसको सबसे कम दंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनपढ़ है, इसको ज्ञान नहीं है। वैश्य को उससे थोड़ा ज्यादा दंड मिलना चाहिए क्योंकि अपनी वृत्ति के विपरीत जाके इसने काम किया है।
क्षत्रिय को इससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, ये रक्षा कर सकता था, उल्टे हत्या में शामिल हो गया, इसलिए वैश्य से ज्यादा दंड इसको मिलना चाहिए। और ब्राह्मण को उन्होंने मृत्यु दंड सुनाया, तो पूछा गया ब्राह्मण को मृत्यु दंड क्यों, बोला कि इन सब में सबसे ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण था, जो सबको समझा के इस मसले को हल कर सकता था जिससे एक आदमी की हत्या नहीं होती, तो इसलिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा पाप का भागी है और इसको मैं मृत्युदंड देना चाहूंगा। हमारी न्याय संहिता में महाभारत की यह घटना बहुत अच्छे से रेखांकित की गई है और इसके आधार पर हजारों फैसले हुए हैं अदालतों के द्वारा। तो जो न्याय और जो प्रशासन और जो अनुशासन हमारे जीवन में है वो भी हमारे इस सदी का आधुनिक मूल्य है, जिसके कारण हम अपने घरों में अमन चैन से रहते हैं, हाट बाजार अमन चैन से जाते हैं, नहीं तो दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स में सैकड़ों देश हैं जहां पे प्रशासन, न्याय, कानून, अदालत नाम की चीजें नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे तमाम देश हैं जिनको गिनाया जा सकता है। तो मेरा समय समाप्त हो गया है, 20 मिनट मैं बोल चुका हूं और शाम है, सबको, और कहा जाता है कि जो आखिरी वक्ता होता है उसको अपनी बात कम से कम समय में समाप्त कर देनी चाहिए, तो मैं अब बिल्कुल समय ज्यादा नहीं लूंगा। और भारत लिटरेचर फेस्टिवल की आयोजिका दीपाली जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी लोग जो हैं प्रांगण में उपस्थित हैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सदैव अनुग्रहित रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।